जैसा कि आप सभी को विदित है, उज्जैन जिले में 21 तारीख मार्च को लॉकडाउन घोषित किया गया था शाम से ही, और इनिशियली वो लॉकडाउन 25 मार्च तक रात 12 बजे तक घोषित था। गत रात माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 21 दिन के लिए सभी जिलों में लॉकडाउन करने की निर्णय लिया गया है। आपको ये भी विदित होगा कि उज्जैन जिले में कोरोना वायरस का एक पॉजिटिव केस पाया गया है। इन सभी परिस्थितियों के चलते उज्जैन जिले में हम लोगों ने कर्फ्यू इम्पोज किया है। आप सबको पहले भी हम लोग रिक्वेस्ट करते आए हैं, पुनः मैं उसको दोहराना चाहूँगा कि कोरोना वायरस से लड़ने का एक सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने का मतलब है कि आप किसी भी अन्य व्यक्ति से मिनिमम 1 मीटर का दूरी आप मेंटेन करें, और अनावश्यक आप घरों से ना निकलें, और जब भी आप अपने हाथ को नाक या कान या मुंह के पास लाते हैं तो वो अनिवार्य रूप से आप इंश्योर करेंगे कि वो अच्छे से हैंड वॉश्ड हुआ हो, या उसका सैनिटाइजर आपने इस्तेमाल कर रखा हो उस पर। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस समय बहुत आवश्यक है कि आपके सहयोग से हम ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर पाएं, क्योंकि ये एकमात्र विकल्प है हमारे पास इससे लड़ने के लिए, और ये बहुत कठिन नहीं है। आपके सहयोग से हम इसको आसानी से लड़ पाएंगे, इसका सामना कर पाएंगे। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जब तक कर्फ्यू उज्जैन जिले में लागू रहता है, कृपया अनावश्यक संपर्क में आने से बचें, चाहे वो आपके यार दोस्त हों, चाहे आपके कोई रिश्तेदार हों। कृपया आप इस समय अपने घरों में रहें, उचित दूरी बना के रहें, वो आपके लिए भी फायदेमंद है, आपके रिश्तेदारों के लिए भी फायदेमंद है, और इस जिले, इस प्रदेश, इस देश के लिए फायदेमंद है। मैं उज्जैन के सभी नागरिकों से अपील करना चाहूँगा कि जैसा आप जानते हैं कि वर्तमान में COVID-19 कोरोना वायरस का प्रकोप फैला हुआ है, और आज एक जानकारी और मिली है कि एक पॉजिटिव मरीज कोरोना वायरस का उज्जैन में भी मिला है। वर्तमान में परिस्थितियों को देखते हुए कर्फ्यू इम्पोज किया गया है। आप लोगों से हम लगातार सहयोग की अपेक्षा करते रहे हैं, अपील करते रहे हैं, पुनः वही अपील करना चाहेंगे कि आप लोग अपने घरों में रहें। इस वायरस के प्रकोप से बचने का एकमात्र उपाय है कि आप अपने घरों में रहें और सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन करके रखें। कर्फ्यू के दौरान कोई भी आवश्यक वस्तुओं की कमी नहीं होगी, ये भी प्रशासन द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है, लेकिन बार बार आपसे हम जो अपील कर रहे हैं उसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। ये सहयोग से आप खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख पाएंगे। इसके साथ ही ये भी आपसे अनुरोध है कि आपको किसी भी प्रकार से किसी ऐसे संदिग्ध व्यक्ति की सूचना मिलती है या ऐसे मरीज की सूचना मिलती है जिसको आपको लगता है कि इस वायरस के प्रकोप का शिकार है, तो उसकी सूचना भी आप प्रशासन को, पुलिस को हेल्पलाइन पर दे सकते हैं। जो भी कार्रवाई पुलिस एवं प्रशासन द्वारा की जा रही है वो आपके बेहतरी के लिए है। इस वायरस के प्रकोप से आपके मोहल्ले को, आपके शहर को, जिले को और प्रदेश को, देश को बचाने के लिए है। इसमें आप प्रशासन का, पुलिस का सहयोग करें।